तो तुम इससे प्यार करते हो? पागल हो गई हो क्या तुम? दिमाग तुम्हारा ठीक है कि क्या बोली जा रही हो? मैंने जो पूछा वो बताओ, प्यार करते हो तुम इससे? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। सम्राट मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, बस मुझे इतना बता दो, प्यार करते हो तुम इससे या नहीं? तो तुम्हें सच सुनना है तो सुनो, मैं इसे प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करती है। समझ में आई बात तुम्हें? अच्छा, तो तुम इसके साथ रहना चाहते हो? हाँ, मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। ये तुमसे प्यार करती है? ऑफ कोर्स करती हूँ मैं इनसे प्यार, इसमें इतना पूछने वाली क्या बात है? आ गया तुम्हें समझ में? अच्छा, तो इसका मतलब तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। ठीक है, फिर मैं बीच में क्यों आ रही हूँ? गर्लफ्रेंड हो ना तुम इसकी, तो बीवी बनकर दिखाओ। और हाँ, ये लो डिवोर्स के पेपर्स, मैंने साइन कर दिए, तुम भी साइन कर देना। तो तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? क्योंकि इसके अलावा और कर भी क्या सकती हूँ मैं? ठीक है, तो तुम जा सकती हो, मुझे भी अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और ये डाइवर्स के पेपर सिग्नेचर करके मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। और हाँ सम्राट, जाते जाते ना मैं तुमसे एक और बात बोलना चाहती हूँ कि जितना मैंने तुमसे प्यार किया है ना, शायद और कोई नहीं कर सकता। और एक दिन ना तुम्हें मेरी कदर पता चल जाएगी। धन्यवाद मैडम आपका ये सलाह देने के लिए, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं जिसको प्यार करता हूँ वो मेरे साथ है, तो मुझे किसी और प्यार की ज़रूरत नहीं है। और तुमसे शादी करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट यही होगा कि अब जा सकती हैं। मुबारक हो तुम दोनों को तुम्हारी न्यू लाइफ के लिए। रूपांशी, एक गिलास पानी लियो यार। कुछ बोल रहा हूँ मैं, एक गिलास पानी मांगा है मैंने। यार तुम खुद ले लो ना, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। यार मैंने एक गिलास पानी तो मांगा है, ऑफिस से मैं अभी जस्ट चला आ रहा हूँ थका हारा, तुमसे एक गिलास पानी नहीं दिया जा रहा है। यार तुम्हें क्या लगता है मैं खाली बैठी रहती हूँ? मेरे पास भी घर के काम होते हैं और मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, तुम खुद उठ करके ले लो ना। और हाँ, तुम मुझे यहाँ पे नौकरानी बनाने के लिए नहीं लेके आए हो, और मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, समझे? रूपांशी, काजल, एक ग्लास पानी पिला दो यार। हाँ अभी लेके आई। ये लो पानी। तुमको एक ग्लास पानी लाने में इतना टाइम लगता है, सुनाई नहीं देता क्या? वो मैं बाहर कपड़े सुखा रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया पानी लाने में। तो ये कैसा पानी लेके आई हो, इसमें क्या पड़ा हुआ है? मैंने देखा था पहले, तब तो नहीं था, पता नहीं अब कैसे आ गया। एक तो गलती करती हूँ, ऊपर से जबान लड़ा रही हूँ, मुझसे पकड़ इसे, दूसरा ले क्या लाती हूँ मैं। रूपांशी यार, अंदर से मेरे जूते और मेरे पर्स उठा दो। क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे जूते और पर्स लेके आऊं अंदर से? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। सुनो, सपने से ना बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो 24 घंटे नौकरानी की तरह काम करती रहूंगी तुम्हारा। यार रूपांशी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुमसे जूते और पर्स ही तो मांगे हैं, तो इसमें नौकर बनने की कौन सी बात आ गई? अरे, एक दूसरे की हेल्प करना नौकर बनना होता है क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दूसरे का अगर जो काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करने आएगा? इसमें नौकर बनने की कौन सी बात आ गई? अरे यार, मैंने अपनी बीवी को छोड़ा तुम्हारे लिए। हाँ तो तुमने मुझ पे कोई एहसान नहीं कर दिया है। यार इसमें एहसान करने वाली कौन सी बात आ गई? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी भी करने वाले हैं अगले मंथ। क्या शादी? और वो भी मैं तुमसे करूंगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है।
अरे जो लड़की तुमसे इतना प्यार करती थी तुमने उसको छोड़ दिया मेरे लिए, और कल को कोई नई लड़की आएगी तुम उसके पास चले जाओगे और मुझे छोड़ दोगे। ये ना ख्याल भी निकाल देना अपने दिल से कि मैं तुमसे शादी करूंगी, समझे? ऑलरेडी मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी भी करूंगी, समझे? मैं जा रही हूँ तुम्हें और तुम्हारा ये घर छोड़ करके, समझे? और हाँ सम्राट, जाते जाते ना मैं तुमसे एक और बात बोलना चाहती हूँ कि जितना मैंने तुमसे प्यार किया है ना, शायद और कोई नहीं कर सकता। और एक दिन ना तुम्हें मेरी कदर पता चल जाएगी। तुम यहाँ कोर्ट की डेट में तो अभी टाइम है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। काजल तुम्हें याद है तुम जाते जाते एक बात बोल के गई थी कि सम्राट तुम्हें एक दिन मेरे प्यार की कद्र जरूर होगी, और उस दिन तुमने सही कहा था। मैं तो तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा हो सके तो मुझे माफ कर देना। किसी ने सही कहा है कि जब किसी को बिना मेहनत की सब कुछ अच्छा अच्छा मिल जाता है तो उसकी उसको कोई कदर नहीं होती है। मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने तुम्हारी कोई कदर नहीं की। हो सके तो मुझे माफ कर देना काजल, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिस दिन तुम मेरी लाइफ से गई उस दिन से मुझे तुम्हारी अहमियत का पता चला। मैंने भी तुमको उस लड़की के चक्कर में छोड़ दिया जिसको मेरी ज़रा से भी कोई परवाह नहीं। वो कहते हैं ना काजल कि जो जिसके साथ जैसा करता है उसके बदले में उसको भी वैसा ही मिलता है। उस लड़की को भी मुझसे प्यार नहीं था, उसको तो सिर्फ उसे मेरे पैसे से प्यार था। प्लीज़ काजल हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं जान चुका हूँ कि मेरी लाइफ में तुम्हारी कितनी वैल्यू है, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी प्यार की भीख मांग रहा हूँ तुमसे, प्लीज़ काजल। लगता है मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ। सम्राट, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने गलती की ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और अगर इस बार तुम्हें छोड़कर गई तो कभी वापस भी नहीं आऊंगी। ये मैं तुम्हारी आखिरी गलती समझ के तुम्हें माफ कर रही हूँ। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा काजल,